गाइस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस आज हम बनाएंगे DIY फ्लावर वास। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस हमको इसके लिए ये सारा मटेरियल चाहिए। फर्स्ट हमको चाहिए इसके लिए की पेपर कप्स, सेकंड फेविकॉल, उसके बाद मेन जूट, ये होती है जूट रोप, आपको अपने इजीली मार्केट से कहीं से भी मिल जाएगी ये, और ये सीडी, एंड ये कुछ डेकोरेशन के लिए बीट्स हैं, और ये है कटर। अगर आप कटर यूज़ कर रहे हो, अगर आप छोटे बच्चे तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, अगर कटर नहीं तो वो सीधे से भी चलेगा। तो गाइज मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कप्स हैं मेरे। मैं तो 4 कप्स का ही बनाऊंगा। अगर आपको ज़्यादा कप बनाना है तो आप ज़्यादा कप बना सकते हैं। मेरे पास ये छोटे छोटे टी कप्स हैं, देख लीजिए 1, 2, 3, 4। सो मैं इनके, अब ये देखो ये जो होते हैं ना इनके अंदर का ये चीज़, हमको ये चीज़ कट करनी है, ये वाली चीज़। तो चलो हम ये वाली चीज़ इसकी कट कर लेते हैं। ये हमारा कटर और ये ओके। सो आप ये देख सकते हैं हमारा ये, इसका ये निकल गया है, देखिए अब ये मैं आपको यहाँ से देख सकती हूँ। तो देखिए ये यहाँ से ऐसा हो गया है, ये था ऐसा और ये ऐसा हो गया। अब हम इन सब के साथ ऐसा ही करेंगे। ओके तो गाइस आप देख सकते हैं कि मेरे ये चारों के चारों हो चुके हैं। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा कप बनाना था तो थोड़ा ज़्यादा कप बना सकते हैं। अब इनको हम कर देते हैं साइड। अब हमको लेनी है हमारी ये सीडी, और बस जो आपने अपना इसका ये काटा था ना, ये यही ले लो, और इसको यहाँ पे हमको ऐसे करके इसको पेस्ट करना है। तो बस अब हम इस पर ऐसे करके फेविकॉल लगा देते हैं। देखिए फेविकॉल लग गई, इसको ऐसे करो और ऐसे करके बस आराम से पेस्ट कर दो। देखो यह पेस्ट हो गई। हमको क्या करना है, अपना एक कप लेना है और इसको ऐसे और इसके ऊपर ये ऐसे लगाना है। तो अब हम इसके जो यहाँ पे ना ये यहाँ फेविकॉल लगा लेते हैं। इसको बस ऐसे करके पेस्ट कर दो। अब क्या करना है, एक और लेना है। अब इसको हमको यहाँ पेस्ट करना है, क्योंकि हम ऐसे लगाएंगे तो ऐसे तो नीचे चला जाएगा। तो अपन इसको करेंगे ऐसे पेस्ट। हमने इसके पहले वाले की यहाँ लगाई थी, दूसरे वाले की हम यहाँ लगाएंगे। अब देखो ये यहाँ पे इसका ये लग गया है फेविकॉल, और नीचे का भी, तो अभी ऐसा हुआ है। अब हम इसके ऊपर ऐसे वाला लगाएंगे ऐसे। तो हम इसका 2 मिनट वेट कर लेते हैं। सो आप देखिए 2 मिनट के बाद आपका ये सेट हो जाएगा। मेरा ये पूरा सेट हो गया अच्छे से। अब आपको क्या करना है, हमने जो ये नीचे का था ना, हमारी अभी प्लेन है, और आप इसका देखिए यहाँ पे जूट लगी हुई है, तो हमको यहाँ पे भी इसके जूट लगाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे फेविकॉल। ओके तो अभी इसका ये हो चुका है फेविकॉल। आपको क्या करना है, यहाँ से फेविकॉल लेके जूट को आपको इसको ऐसे करके एकदम अच्छे से लगाना है, अच्छे से ऐसे।
ऊपर का इस जूट से इसको रैप कर। अब मैं इस पर ये लगा रही हूँ। ओके, सो अब मैं इस पे भी जूट लगा रही हूँ। एकदम नीचे से शुरू करूँ। सो आप जो हमारे पास यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह थे, ये वाले बीट्स और ऐसे बीट्स, या फिर अगर आपको लेस लगानी तो आप इस पे लेस भी लगा सकते हो। जो डेकोरेशन के लिए आपके घर में जो भी अवेलेबल हो आप कुछ भी लगा सकते हो। अगर आपको प्लेन चाहिए प्लेन भी रख सकते हो आप, बट मेरे को तो बीट्स चाहिए तो मैं बीट्स। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना ऐसे ही। अब हम ऐसा पूरा इसको डेकोरेट करते हैं। चलो सो गाइज, मेरा DIY फ्लावर वाश रेडी हो चुका है, ये देखो। और अब हम इसमें लगाएंगे फ्लावर्स। सो गाइज, आप लोग भी अपने घर पे ये DIY फ्लावर वाश बना सकते हो, बहुत ज्यादा इजी है। बस एक और चीज कि अगर आपके पास ये वाली जूट नहीं है, ये वाली जूट, तो आप ये वाली वूल भी यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो देखो, आपके घर में मंदिर तो होगा ही, मंदिर में मूली तो होती है, तो आप इस पर मूली भी लगा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। और गाइस, अगर आपके पास ये वाले ऐसे जो मैंने आपको छोटे कप दिखाए थे, ये वाले नहीं है, तो थर्माकोल के और भी बड़े कप्स आते हैं, वो आपके घर में वो हो अवेलेबल आ गया, जो भी आप उससे यूज कर सकते हो। जूट रोप नहीं हो, ये भी नहीं हो, मूली भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो आप इसको पेंट भी कर सकते हो, उससे बहुत अच्छा लगेगा। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरे इतने अच्छा जो मैंने आपको आइडिया दिया अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।